जय हिंद दोस्तों, एक नया सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मुंबई मेट्रो की ओर से जो वैकेंसी निकाल के आई है, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं कि सर ये जॉब कैसा है, सर प्लीज़ सर इसको बताइए, डिटेल में बताइए। सर देखो, ये जो वैकेंसी निकल के आई यहाँ पे ना, ITI या 12th पास हो या फिर डिप्लोमा पास हो, उन सभी लोग के लिए वैकेंसी निकल के आई है। 2 PDF रिलीज किया गया, मतलब 2 वैकेंसी आई है, मतलब PDF अपलोड की, मतलब स्पेशल ये मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ ITI वाले के लिए, इसमें जिक्र नहीं किया गया डिप्लोमा वाले के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो, ये जो वैकेंसी निकल के आया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ टेक्नीशियन, ठीक ना, ये OM वर्क ऑफ MMRCL की ओर से जो वैकेंसी, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जो वैकेंसी निकल के, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता। अब देखो, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब कि जगह का नाम यहाँ पर, जैसे कि जगह का नाम है जहाँ से बस वही लोग अगर किए हैं ITI तो आप एलिजिबल, या फिर 12th पास हो तो आप एलिजिबल हो, या फिर डिप्लोमा पास हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, द कैंडिडेट शैल बी द सिलेक्टेड ऑन द फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल्स, ठीक है, एंगेजमेंट बेस्ड ऑन द अपॉन ट्रेनिंग शैल बी द इंटीरियर, मतलब कि प्लेस, देखो हाउ, मतलब कि यहाँ पे मैनेजमेंट, उसके बाद से देखो यहाँ पे ना पर्पस में देखोगे, यहाँ पे मेन चीज़ में यहाँ दिखाऊंगा आप लोग को, देखना है उसके बाद से यहाँ देखना है, ठीक है। एक मिनट मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, पर्पस में यहाँ पे बताया गया काम क्या लेगा, वो चीज़ के बारे में, मेंटेनेंस उन्नीस से काम होता है, ITI वाले काम क्या होता है, ऑपरेशन मेंटेनेंस वर्क इन मुंबई मेट्रो Line 3 इक्वल लाइन में, ठीक है। डिप्लोमा वाला का सेम टू सेम वही चीज़ लिखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो, यहाँ पे 1/9/2023 तक आप लोग का मतलब कि ये जो नोटिस निकाला गया वो चीज़ क्या बताया गया, कैंडिडेट हु पास इट आउट फ्रॉम द ITI, ठीक ना, अमरावती, औरंगाबाद, उस मुंबई, नागपुर, नासिक एंड पुणे रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज ऑन द नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट DVET महाराष्ट्र स्टेट विथ मिनिमम 60% से अगर पास। देखो कहने का मतलब क्या है, अगर आप अमरावती, अहमदाबाद, मुंबई, नासिक, हैदराबाद, पुणे से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन 60% होना चाहिए, ओके। सैलरी अच्छा खासा मिलेगा। अब देखो, फिक्स टर्म एंड कंडीशन का मतलब होता है कम से कम 5 साल ये रखेंगे, ठीक है, सैलरी अच्छा खासा मिलेगा, इसमें घुस जाओ। लेकिन हमें एक अच्छा चीज़ यही नहीं लगा, ये लोग सिर्फ एकदम बांध दिए बच्चा को कि भैया हम महाराष्ट्र बच्चा को ही लेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट को ही लेंगे, वो चीज़ यहाँ बांध दिया गया, तो हमें ये बहुत बुरा लगा। आप लोग का क्या रहा है आप लोग कमेंट करना। अब देखो, यहाँ पे मेट्रिकुलेशन यहाँ पे बताया गया, 12th पास हुआ पे, अगर ITI की NCERT SEBT जो डनोर मेडर, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, रिसेंट ट्रेड से आप हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। 18 से 33 आप लोग का एज यहाँ पे, ये लास्टली है, ठीक है, 33 लास्ट ही है, मतलब कि स्टार्टिंग आप लोग 18 है। इसमें आप लोग सोचिएगा ना, छूट वूट मिलेगा 3 साल 5 साल 10 साल, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ छूट मिलेगा। देख लो यहाँ पे लिखा भी गया 3 साल 5 साल 10 साल, मतलब सेम टू सेम सरकारी की तरह आप लोगों को सब चीज़ वो है, ठीक है, नियम कानून से आप लोगों को बांधा जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा गया टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पर आप लोग का जो पोस्ट आप लोग का टेक्नीशियन है, यहाँ पर देखिए ट्रेड, बहुत सारा ट्रेड को अपॉर्चुनिटी मिला है, लगभग सभी ट्रेड को यहाँ पर मौका मिल गया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते, मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, मैकेनिक्स एंड ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, TV मैकेनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। पैकेज के बारे में बताया गया कि भैया सैलरी आप लोग का CTC आप लोग का सैलरी कितना बनेगा, वो चीज़ यहाँ मेंशन किया गया। देखो आप लोग का यहाँ पर बताया गया कि भैया यहाँ पर 3 ईयर आप लोग का स्टार्टिंग में सफिशियंट सर्विस, आप लोग का सब्जेक्ट ऑफ यहाँ पे रेंडरिंग सफिशियंट सर्विस आप लोग पर 3 साल तक बोल रहे हैं कि ये लोग रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर ये एक्सटेंड कर देते हैं, खुद आप लोग को रखें, हटाएंगे थोड़े यार, कुछ दूसरा जगह फिर प्रोजेक्ट चलेगा उसमें हायर कर लिया जाएगा, भैया एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो ये लोग दिया बार के घोसते हैं, मतलब टर्च बार के घोसते हैं। अब देखो दिया का जमाना ख़त्म हो गया, अब देखो 27,000 आप लोग को ये देंगे, ठीक है, तो कम नहीं है। जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करना चाहता है जरूर फॉर्म को फिलअप कीजिए। ट्रेनिंग कोस्ट के बारे में यहाँ बताया गया भैया इतना इतना ये सब चीज़, हाउ टू अप्लाई कैसे करना, 15/10/2023 से पहले आप लोग को फॉर्म भर देना अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। सब चीज़ यहाँ पे देख लो क्या क्या अपलोड करना, वो सब चीज़ यहाँ पे बताया गया, कलर फोटो, रिसेंटली स्कैन सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद NCERT SEBT और फाइनल मार्कशीट के, जो भी चीज़ है यहाँ पे सब चीज़ आप लोग को अपलोड कर देना है, ठीक है। अब चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ जो डिप्लोमा वाले के लिए है, वो चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि
फर्स्ट जो हम आप लोग को बताए थे जो आईटी वाले के लिए, जो टेक्नीशियन वाला था, ई सुपरवाइजर वाला पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा वाला कोई मांगा गया स्पेशल है। ये दो पीडीएफ रिलीज किया गया, दोनों चीज़ मैं नीचे दे दूंगा रिव्यू डिस्क्रिप्शन। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टर्म्स एंड कंडीशंस एंगेजमेंट फ्रॉम द पोजीशन एंड सुपरवाइजर, वही टर्म एंड कंडीशन सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पर मोड ऑफ एंगेजमेंट एंड इंटीरियर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यहाँ सब मतलब वही टर्म एंड कंडीशन है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप लोग रहिएगा, अपन ट्रेनिंग सैलरी या यूटिलिटी प्लेस मुंबई में आप लोग का प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाला, वो सब चीज़ यहाँ बताया गया। पर्पस देख लो तो पर्पस क्या है, सेम टू सेम वही पर्पस है, पर्सनल फॉर यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ मुंबई मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन, ठीक है। उसके बाद से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर मेन चीज़ समझना यही है, ठीक है। देखो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया जो चीज़ आई टी वाले के लिए किया गया था। देखो कैंडिडेट हु पासड आउट ऑफ पॉलिटेक्निक, देखो पॉलिटेक्निक किया ना औरंगाबाद, उसके बाद अमरावती, मुंबई, नागपुर, नासिक और पुणे, रीजन या कैटेगरी समझो महाराष्ट्र, DTE महाराष्ट्र विथ मिनिमम 60% बोल दिया ना। ITI यहाँ पर 60% बोला था टेक्नीशियन वाले के लिए, यहाँ पर भी बोला गया कि 60%। ये चीज़ आप लोगों को मैं समझाना चाहता था कि दोनों में सेम टू सेम टर्म एंड कंडीशन रखा गया, हर चीज़ सेम है। अब देखो यहाँ पर आप लोग का जैसे कि आप लोग का सुपरवाइजर पोस्ट है तो सैलरी तो बहुत बेहतरीन मिलेगा, यहाँ पर देख लो सैलरी का 37,000 या स्टार्टिंग से मिलेगा, कम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेगुलर इंजीनियरिंग से डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रीम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप एलिजिबल हो, रेगुलर इंजीनियरिंग से डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंडस्ट्रियल इंटरग्रेट, ठीक ना, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बहुत सारा माइक्रो प्रोसेसिंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रियल बहुत सारा यहाँ पे लगभग सभी को घुसा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए 18 से 33, भैया आप लोग का मिनिमम से मैक्सिमम एज रहेगा 18, क्या मिनिमम है मैक्सिमम आप लोग का 33 रहेगा, लेकिन छूट मिलेगा एकदम सेंट्रल लेवल वाला छूट मिलेगा, 3 साल 5 साल 10 वाला। देख लो यहाँ पर सब चीज़ लिखा भी गया, ओके। PWD से हो तो फॉर्म मत भरना क्योंकि PWD को लेगा ही नहीं है, ठीक है। एक मिनट, अब देखो यहाँ पे आप लोग का एंगेजमेंट पैकेज इंटरनियल एंगेजमेंट मतलब आप लोग का जो पैसा आप लोग को जो दिया जाएगा वो चीज़ के बारे में बताया गया, भैया आप लोग को इतना पैसा मिलेगा और आप लोग का 3 ईयर स्टार्टिंग में आप लोग को रखा जाएगा, लेकिन ये एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंडेबल होता है, 3 ईयर के स्टार्टिंग में ले रहा है, बाद में आप लोग को फिर ये 3 साल 4 साल 5 साल करके फिर से आप लोग को बढ़ा दिया जाएगा। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर कोई आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग का बस आप लोग को इंटरव्यू लिया जाएगा, मार्कशीट बेसिस पे आप लोग परसेंटेज मार्क्स अच्छा होना चाहिए, एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा, बस आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। प्री इंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ये सब नॉर्मल होता है, बस अपना बनवा लेना, जैसे कि प्रखंड लेवल से जो भी होते हैं जो वरिष्ठ जैसे कि होते हैं डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो उनसे जाकर बस अप्रूवल करवा लेना कि सर हम फिट हैं, बस उसके बाद सर कुछ नहीं करना। ट्रेनिंग कोर्स के बारे में बताया गया यहाँ पे, ए पीरियड ऑफ नोटिस ऑफ मंथ इक्विवेलेंट के बारे में, बिफोर ट्रैकिंग यहाँ पे स्कैनिंग सॉरी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द यहाँ पे कॉरपोरेशन इन केस मेन यहाँ पे एनी कैंडिडेट, ठीक है, ये सब चीज़ टर्म एंड कंडीशन बताया गया पूरा। इसको पढ़ेगा तो रामायण महाभारत गीता कुरान लिखा गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसका लिंक दे दूँगा। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ समझना ये चीज़ है आप लोग को थोड़ा सा अप्लाई, ठीक है, मेन चीज़ यही है, 15/10/2023 से पहले आप लोग फॉर्म को भर देना, DMRC का ऑफिशियल वेबसाइट ये लिंक है, हालांकि मैं लिंक दे दूंगा, टेंशन ना लेना, वीडियो के नीचे जाओगे सब चीज़ मिल जाएगा। अब देखो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो, मतलब कलर 3 मंथ के पहले या फिर 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, ठीक है, अपलोड होगा आप लोग का OBC SC ST PWD जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, PWD मत भरना यार, बहुत हार्ड वर्क लेता है, ठीक है, और क्योंकि सरकारी है रहता तो कोई मैं नहीं बोलता कि चलो भैया DMRC का दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बहुत अच्छी मतलब कि सुख सुविधा देती है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे मतलब नहीं होता, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से जाओगे ना तो बहुत खटवाता है ये लोग, दबा के काम लेता है, ठीक है, इसीलिए PWD से हो तो नहीं करना, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम बोल नहीं सकते हैं, करो कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ ये सब चीज़ आप लोग को अपलोड करना होगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट फाइनल मार्कशीट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, ID प्रूफ के लिए आप लोग को आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब चीज़ आप लोग को अपलोड करना होगा। मैं फर्दर यहाँ पे आप लोग का कॉरस्पॉन्डेंस सेल विद द मेड ऑफ द रजिस्टर्ड ईमेल ID ये सब चीज़ आप लोग का सब जनरल कंडीशन टर्म एंड कंडीशन के बारे में यहाँ लिखा गया कि भैया आप बाद में मतलब कि वो चीज़ नहीं कर सकते हो कि भैया हमारा सरकारी हो नौकरी क्यों नहीं हुआ, इसे यहाँ पे सब चीज़ साफ साफ लिखा गया, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अगर फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं जरूर फॉर्म को फिलअप कीजिए, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।